हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, हम अपना टेस्ट कर रहे थे विजन का, इकोनॉमी का। तो कल हमने उसमें 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, USA, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान। देखो, इसमें सिर्फ जापान है, क्योंकि इसके अलावा जो कंट्रीज इसमें है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, चाइल, मलेशिया, ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो तीनों कंट्रीज हैं बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ जापान है। तो ओनली फोर्थ क्या है इसका करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम स्कीम। इट सीक्स टू एड्रेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द MSMEs एज वेल एज द डिलेड पेमेंट ऑफ इशू। ये बात बिल्कुल सही है, ये RBI का इनिशिएटिव, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, इसमें ये है कि जो MSME है वो अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लोन चाहिए तो वो क्या अपने जो ये ट्रेड्स हैं उन्हें बेच के क्या कर सकती है, लोन ले सकती है। What with reference to the economy, what does the term de minimis refer to? It is the minimum level of the special drawing rights, so it has to be maintained by the IMF. No, it is the minimal amount of the subsidies or domestic support that is allowed under the agreement on agriculture. So guys, ये बात बिल्कुल सही है। De minimis का मतलब यही है, जब agreement on agriculture के under जो हम minimal amount of subsidy देते हैं domestic support के लिए, वही de minimis होता है। आगे बताते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस टू द एग मार्केट पोर्टल। देखो, आपको नाम से पता चल रहा होगा, इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद द एग्रीकल्चर मार्केट। बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड द वीकली प्राइस ट्रेंड रिपोर्ट फॉर द इंपॉर्टेंट मार्केट ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर कॉमोडिटी। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज लिंक विद द ऑनलाइन एक्सचेंज पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड द फ्यूचर प्राइजेस फॉर द इंपॉर्टेंट कॉमोडिटीज। गाइस, ये तीनों के तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ऑल द एनविजेज एंड लॉन्च अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स आर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। गाइस, ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसमें कोल बेस्ड ही हैं। द यूज ऑफ द सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड फॉर द हाई एयर फ्यूल एफिशिएंसी एंड लोअर ग्रीन हाउस गैस। ये बात भी सही है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज एम टू असेस द लेवल ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू मीट ग्लोबल टारगेट्स अंडर द पैरिस एग्रीमेंट। नो, देखो, जो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है ये मेनली देखो इसका एम ये है कि किस तरह से हम क्या अपनी जो कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज़ को क्या करना है, हमें एग्जामिन करना है। तो इसका आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर है, टू एग्जामिन द कार्बन रिडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द मेजर कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द सोइल हेल्थ कार्ड। गाइस, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है। इशू टू द फार्मर, इट इन्फॉर्म्स फार्मर्स अबाउट द एप्रोप्रिएट डोसेज ऑफ द न्यू ट्रेंड रिक्वायर्ड टू इंप्रूव सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। अंडर द सोइल हेल्थ स्कीम इट इज मैंडेटेड टू अंडरटेक द GPS बेस्ड सोइल सैंपल कलेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज दे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इंडस्ट्रीज कंप्राइजेस मोर देन हाफ ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको पता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम मेनली तीन कवर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हाउएवर, तो ये इंडस्ट्रीज हैं, जो 8 कोर इंडस्ट्री है, वो मोर देन हाफ नहीं करती, ये 40% नियर अबाउट करती हैं। इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इज़ द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स रिलीज एवरी 3 मंथ। देखो, ये 3 मंथ्स में नहीं रिलीज होता, ये मंथली रिलीज होता है। और कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैरीज द हाईएस्ट वेट अमंग द कोर इंडस्ट्रीज। नहीं, देखो, पेट्रोलियम है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट करता है, नियर अबाउट 28%। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या है इसका, नन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, देखो कैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ना कि वर्ल्ड बैंक, तो ये गलत होगी। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड्स वुमेन, ये भी गलत है, ये रिलीज करता है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड द सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया रेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप। अब देखो कि क्या हमारे जो किस तरह से प्रोडक्शन होती है, कौन से ज़्यादा होती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, एरोमेटिक, स्पाइसेस या प्लांटेशन। देखो, सबसे ज़्यादा तो हमारे वेजिटेबल्स है, नियरली 60% है, नियरली 59.2 है वैसे। फ्रूट्स फिर हमारे 31.2% है। इसके बाद जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो नियरली 6% है, 5.8 है वैसे। स्पाइसेस हैं 2.6% है, फ्लावर्स एंड एरोमेटिक्स नियरली 1.2% है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, 21543। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज बाय, देखो गाइस, ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसीडर रिगार्डिंग द K4 मिसाइल। इट इज अ सब मेराइन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये बिल्कुल सही है। इट इज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अप टू 750 किलोमीटर। नो, 3500 किलोमीटर की रेंज है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत हो गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक कार्गो ट्रैफिक इन
टोटल एयर कार्गो इज मच हायर इन द कंपेरिजन विद दैट ऑफ द इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक। तो भाई गाइस ये गलत है क्योंकि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक का क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कार्गो। ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज यूनिफॉर्मली टैक्स थ्रू आउट द कंट्री, नहीं ये भी गलत है क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बल्कि एक्सपेंसिव है क्योंकि यूनिफॉर्मली टैक्स नहीं है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है, नाइदर वन नाइदर टू आर द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द न्यूली क्रिएटेड नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट विल सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट इनोवेशन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अक्रॉस द कंट्री, ये बात बिल्कुल सही है। इट विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इन, नहीं जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो इसको चेयर करेंगे, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसके सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन रुपीज कंप्लीटली कन्वर्टिबल ऑन करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। देखो करंट में कन्वर्टिबल है, कैपिटल अकाउंट में फुली कन्वर्टिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन द कैपिटल अकाउंट कैन इंक्रीज वॉलेटिलिटी इन द एक्सचेंज सेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द IMF दैट इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इट प्रोवाइड्स लोन टू द मेंबर कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग BOP प्रॉब्लम्स टू हेल्प देम रीस्टोर कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, ये बात बिल्कुल सही है। द क्योटो असाइन टू द मेंबर्स ऑफ IMF इज बेस्ड ऑन देयर वेटेड एवरेज ऑफ GDP एंड इंटरनेशनल रिजर्व्स ओनली, देखो ओनली हो गया ये गलत हो गया, चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। वेटेड एवरेज ऑफ GDP जो कि 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंटरनेशनल रिजर्व 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इसके अलावा जो ओपननेस होता है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जो इकोनॉमिक वैल्यू वो 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। श्री मावो शास्त्री पैक्ट साइंड इन 1964 एंड सम टाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू रिपेट्रिएशन ऑफ तमिल इंडियंस फ्रॉम श्रीलंका, रिजॉल्विंग ऑफ फिशिंग डिस्प्यूट्स इन द पाक स्टेट, इंक्लूजन ऑफ श्रीलंका इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मैरिटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। देखो ये जो पैक्ट हुआ था ये इंडिया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था 1964 में, इसमें यही था कि जो तमिल इंडियंस थे उनको क्या कह रहा है, मतलब श्रीलंका से जो भी तमिल इंडियंस थे जो इंडियन ओरिजिन के थे उनको वापस इंडिया भेजा था, और बाकी जो कुछ श्रीलंका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे उन्हें श्रीलंका की सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो गाइस इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंश्योरेंस सेक्टर, 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज अलाउड इन इंडियन इंश्योरेंस, नो ओनली 74% अलाउड है, गलत हो गया। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स टू GDP, ये बात बिल्कुल सही है। इंश्योरेंस डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंट। देखो जो MSP है वो हम क्रॉप सोइंग से पहले अनाउंस करते हैं ना कि हार्वेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। FRP फॉर शुगर केन इज डिक्लेयर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, देखो जो FRP है वो यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो उसके आगे स्टेट एडवाइज प्राइस इशू करती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो कौन सी करेक्ट हैं, तो नाइदर वन नाइदर टू। गाइस इस बार आप अगर सॉल्यूशंस में देखोगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन सही दिया लेकिन उन्होंने ऑप्शन में बोथ वन एंड बोथ टू दे रखे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आई मीन जो मैंने बोला है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेम्पररी इंपोज अ बैन ऑन इंटरनेट सर्विस इन द एंटायर नेशन, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, IT अमेंडमेंट 2008, या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इसमें जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंडर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है इंटरनेट सर्विसेज पर टेम्प्रेरी बैन करती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फार्म लोन वेवर, जो हम फार्म का कर्जा माफ कर देते हैं उससे क्या हमें फर्क पड़ सकता है, इट वर्जन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक। देखो जो बैंक्स की बैलेंस शीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है उनका डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, बैलेंस शीट बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट नेसेसरी लेट्स टू द पुशिंग अप रूरल डिमांड, देखो हर एक सेक्टर तो नहीं लेता ना, हर एक बंदा तो रूरल में रोल नहीं लेता ना, तो रूरल सेक्टर को पूरी डिमांड नहीं बढ़ेगी, गलत है। इट डिस्टोर्स अ क्रेडिट क्लस्टर इन द रूरल, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्कीम थर्ड स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेट सेटलमेंट और इन्वेस्टमेंट रिस्यू, इट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट फॉर स्टेटस डिस्प्यूट ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, नहीं जो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक में 5 ग्रुप है, सिर्फ इसी ग्रुप का इंडिया मेंबर नहीं है, बाकी चारों के चारों में फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें ओनली सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ एडिबल ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया, मोर देन 60% ऑफ द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ एडिबल ऑयल आर मेड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नहीं बल्कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, नियरली 65-70% हम ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। सोयाबीन ऑयल इज द मोस्ट इंपोर्टेड एडिबल ऑयल बाय द इंडिया, नो पाम ऑयल क्या है सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, उसके बाद सोयाबीन होता है फिर मस्टर्ड, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर कंजप्शन ऑफ इंडिया, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईएस्ट कंपेयर टू द रेस्ट, तो आपको लगता है इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत लेते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ऑल द थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी, नहीं भाई हमेशा अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे थर्मल पावर स्टेशन का। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज इन इंडिया निगलिजिबल, नहीं आपको पता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉस भी कितने ज्यादा, नियरली 20% है एज कंपेयर टू पावर प्रोडक्शन। ठीक है, तो निगलिजिबल तो नहीं कह सकते, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है ये बिल्कुल गलत है, नन इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द
नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, अभी हमने पीछे भी सेम क्वेश्चन किया, इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन मेजर्स टू फोस्टर कल्चर ऑफ इनोवेशन अमंग द स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेन फेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, अ रीजन इज क्लासिफाइड एज रेन फेड इफ इट हैज लेस देन 10% नेट इरिगेट, नहीं लेस देन 40% को हम क्या बोलते हैं रेन फेड, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। मोर देन 75% ऑफ द पल्सेस प्रोडक्शन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन फेड, ये बात बिल्कुल सही है। नियरली 88% जो पल्सेस का प्रोडक्शन होता है वो रेनफेड एरिया पे है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पार्कर सोलर प्रोब मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ मिशन बाय नासा टू प्रोब द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, ये बात बिल्कुल सही है। द सन्स एटमॉस्फेयर कोरोना इज होटर देन द सर्फेस ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है। फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कूलर होता है एज कम्पेयर टू कोरोना। द प्रोब विल ऑर्बिट द सन ट्वाइस ड्यूरिंग द मिशन पीरियड, देखो इसका जो मिशन पीरियड है वो 7 ईयर्स का है और इसके अराउंड जो वो सन को ऑर्बिट करेगा 24 टाइम ऑर्बिट करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू कॉर्नर नोटिस ऑफन सीन इन द न्यूज, इट इज इशूड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। इंटरपोल ने इसको इशू किया था। इट इज इशू टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी लोकेशन और एक्टिविटी इन रिलेशन टू क्राइम, तो गाइस ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन जो विजन ने इसका करेक्ट आंसर है वो 1 दे रखा है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन में तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइस आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग बोथ 1 एंड 2 है, लेकिन विजन के अकॉर्डिंग ओनली 1 है, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इट इज अ स्टैचुटरी बॉडी अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, देखो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है फार्मर वेल्थ केयर, तो ये गलत हो गई है। द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड नेशनल जीन बैंक, तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने, विद रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कवर्ड यदा वायरस कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अल्फा वायरस दैट इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय द मॉस्किटो एंड पैथोजन, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड कैन कॉज डिजीज लाइक ईस्टर्न इक्विन, देखो ये बिल्कुल भी ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं है ना थ्रेट है, तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प्रॉब्लम, गाइस अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। इट प्रोवाइड्स फॉर अ सिस्टम ऑफ इशूइंग सेपरेट लाइसेंस फॉर ईच काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज ऑयल गैस कोयल बैट मिथेन, देखो सेपरेट लाइसेंस नहीं बल्कि यूनिफॉर्म लाइसेंस करेगा, तो ये सिस्टम यही गलत हो गया। इट रिप्लेसेस द अर्ली सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स फॉर द ओपन एकरेज अंडर विच अ कंपनी कैन सेलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स ऑन इट्स ओन विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, देखो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो गवर्नमेंट ने इसलिए अलाउ किया ताकि हमारे प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर द ISI मार्क, किस किस पे होता है स्विचेस, बिल्कुल सही। मोटर्स यस, हीटर्स यस, किचन अपने तो गोल्ड एंड सिल्वर पे क्या होता है हॉलमार्क होता है, आईएस नहीं होता। एलपीजी सिलेंडर यस, तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 क्या है इसके राइट आंसर है, 5th नहीं है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द वेरियस इनिशिएटिव टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया कंसीडर, गाइस हमने सेम क्वेश्चन है इनसाइट की जब हमने इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज करी थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था। तो एमएसएमई संबंध मॉनिटर प्रोक्योरमेंट फॉर्म एमएससी बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, देखो बिल्कुल सही है। एमएसएमई संपर्क का क्या एम है, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अमंग एमएसएमई ट्रेनिंग, ये भी बिल्कुल सही है। एमएसएमई संबंध का क्या एम है, प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिलेड पेमेंट, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है। इन दिस प्राइसेस आर सेट हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू गेन इनिशियल, देखो हायर नहीं करते हैं बल्कि लोअर रखते हैं ताकि अट्रैक्ट कर सके और ज्यादा फिर क्या होता है इससे होल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या गलत होगी। दिस प्रैक्टिस इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया अंडर कॉम्पिटिशन 2002, ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, इट इन्वॉल्व द कंसेंट्रेशन ऑफ जॉब्स हाउसिंग एंड सर्विसेज अराउंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन, ये बात बिल्कुल सही है। इट एडवोकेट्स पेडेस्ट्रियन एंड द बाइसिकल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सेस टू वेरियस फैसिलिटीज सच एज शॉपिंग एंटरटेनमेंट वर्क, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया डज नॉट हैव अ पॉलिसी ऑन ट्रांजिट ओरिएंटेड, ये तो गलत है। इंडिया के पास पॉलिसी है 2017 में आई थी और कौन लेके आया था, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोफर्टिलाइजर, दे हैव एंटीबायोटिक कंपाउंड विच सप्रेस फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग, ये बात बिल्कुल सही है। बायोफर्टिलाइजर हैव द कैपेसिटी टू अवॉइड द वाटर स्ट्रेस, ये भी बिल्कुल सही है। सम फर्टिलाइजर ऑल्सो एट प्लांट ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग दम विद हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजन, ये बात बिल्कुल। देयर ऑफ बैक्टीरियल टाइप होने, देखो ये गलत होगी क्योंकि ये एल्गल टाइप भी हो सकता है, फंगल टाइप भी हो सकता है, तो इसमें जो डी स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो फिर थर्ड डी स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन थी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द आउटगोइंग टूरिज्म फ्रॉम इंडिया इन रिसेंट ईयर हैज बीन मोर देन द डबल द टूरिस्ट अराइवल इंडिया, बिल्कुल बात सही है। हमारे इंडिया से बाहर ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया में अराइव कम होते हैं। इन टर्म ऑफ द डोमेस्टिक टूरिज्म विजिट गोवा हैज द बीन द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन इन द रिसेंट, देखो गोवा नहीं है, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा टॉप डेस्टिनेशन है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। हराइड स्कीम इज एन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स इन एन इंक्लूसिव, मैंने देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की नहीं है ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, ठीक है, ताकि हम कंजर्व कर सकें अपने हेरिटेज साइट्स को, ठीक है। तो भाई थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज, नहीं, टू गारंटी मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट के, तो मनरेगा का है ना, टू इंप्रूव रूरल अर्बन रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, नो, टू मोबिलाइज ऑल रूरल पूरर हाउस होल्ड इन टू सेल्फ, ये बात बिल्कुल सही है, स्पेशली वुमेन को मोबिलाइज करने का एम है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखो नॉट करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम फॉर द बैंकिंग सेक्टर, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट स्कीम, देखो ये बात बिल्कुल सही है। देखो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम का मतलब क्या होता है, जो आप अपने बैंक में डिपॉजिट्स कराते हो, जैसे अगर आपने 5 लाख जमा करा रखे हैं, 10 लाख जमा करा रखे हैं, तो जब आप उसको मतलब कि अगर आपका कल बैंक डूब जाए तो क्या है, आपका जो 1 लाख रुपया है वो इंश्योर्ड होता है, वो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन करता है इंश्योर, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ही करती है, ठीक है। ये स्कीम एप्लीकेबल है दोनों डिमांड टाइम, ये बिल्कुल सही है, जो आपके पैसे अगर FDRD में तो उसकी भी सेफ है। इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं, ये तो सब्सिडरी है किसकी, RBI की, तो इसमें ILDA का तो कोई काम है ही नहीं, तो नोट करेक्ट यही हो गई वैसे। ऑल द कमर्शियल एंड फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया आर एलिजिबल, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे आपके पैसे फॉरेन बैंक में हो चाहे कमर्शियल बैंक में, दोनों के लिए क्या है इंश्योर्ड होता है। अंडर द स्कीम डिपॉजिट्स अप टू 1 लाख रुपीज़ पर अकाउंट, ये बात बिल्कुल सही है, 1 लाख रुपये आपका सेव होता है, लेकिन अभी क्या है इसको बढ़ाने की बात कर रही है, आपने पढ़ा भी हुआ करंट अफेयर्स में 3 लाख से 5 लाख के बीच में बोला जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G30, इट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन CNQ, देखो ये बात बिल्कुल सही है, इट विल सर्व एज अ रिप्लेसमेंट टू इनसैट 4A स्पेसक्राफ्ट सर्विस विद एनहेंस्ड कवरेज, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी, द कंसेप्ट ऑफ द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट 5-year प्लान, नहीं, सेकंड 5-year प्लान में लाए थे, तो स्टेटमेंट गलत है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन सिक्स टू एलिमिनेट द इंपोर्ट ऑफ द कमोडिटी एंड अलाउज फॉर इट्स प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूस ऑल द नॉन वैरायटी ऑफ कमर्शियल सिल्क, तो कोई बात बिल्कुल सही है, सिल्क मेनली 4 तरह की होती है, एक मलबरी तसार होती है, एक मूगा होती है, एक एरी सिल्क, और इंडिया में चारों की चारों मदर सिल्क क्या होती है प्रोड्यूस होती है। तसार सिल्क अकाउंट फॉर द मैक्सिमम शेयर ऑफ द टोटल सिल्क प्रोडक्शन, नहीं, देखो तसार सिल्क नहीं, हमारे जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं वो मलबरी सिल्क होती है, ठीक है। असम इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, नो, कर्नाटका है जो लार्जेस्ट सिल्क है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग 2018-19, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कंटिन्यू टू हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द इंडियाज इंपोर्ट बस के, देखो क्रूड पेट्रोलियम मेनली, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, चाइना हैज बीन द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन इंपोर्ट, ये बात बिल्कुल सही, हमारे सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से आते हैं। फार्मास्यूटिकल्स आर द लार्जेस्ट आइटम्स ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए, नो, फार्मास्यूटिकल्स नहीं होते, बल्कि जो प्रीशियस मेटल स्टोन्स हैं वो लार्जेस्ट आइटम है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। वट आर द प्रपोज बेनिफिट्स ऑफ ई नाम, आपको पता भी होगा ई नाम हमने करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, प्रमोट रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई, ये बात बिल्कुल सही है। रिमूविंग इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन बायर्स एंड सेलर, ये बात भी सही है। एश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द अनऑर्गनाइज सेक्टर इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर इन, ये बात गलत है, हमारे पुल की डेफिनेशन है अनऑर्गनाइज सेक्टर की। द अनऑर्गनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, ये बात बिल्कुल सही है, नियरली जो है 93% लोग जो हैं इसमें एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वर्कर्स इन द अनऑर्गनाइज सेक्टर आर नॉट एंटाइटल टू मिनिमम, नो, उनको मिनिमम वेजेस आपने देने ही देने हैं, ठीक है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सक्लूसिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर वर्कर्स, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, विद क्लोज आर प्लेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स इन द EPC मॉडल फॉर अ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अरेंजिंग ऑल फाइनेंस, देखो ऑल फाइनेंस नहीं करता, क्योंकि इसमें 40% या 20% जो फाइनेंस है वो कौन करता है, गवर्नमेंट देता है। टोल ऑपरेशन और मेंटेनेंस का है, ये गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी है, और प्राइवेट मॉडल का सिर्फ प्रोविजन ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है, तो ओनली फोर्थ स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। इंडिया अलाउ 100% FDI थ्रू ऑटोमेटिक रोड इन द स्टील एंड द माइनिंग सेक्टर, देखो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड स्टैचुरी बॉडीज दैट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन लिविंग इन एंड एरियाज अफेक्टेड बाय द माइन, तो गाइस हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था, उसमें ये बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसका ये रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई भी मिनरल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी पर्सन अफेक्ट होता है तो उनकी रिहेबिलिटेशन को ये इफेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 5-year प्लानिंग फेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर अमंग द मेजर टारगेट ऑफ 7-5-year, नो, 7-5-year प्लान का नहीं था, फोर्थ का था। द 9th 5-year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम हैड अ सेपरेट प्लान डॉक्यूमेंट ऑन स्टेट, नहीं, 10th का था, ठीक है, ये गलत है। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8th 5-year, नहीं, तो ये 11th में आया था, ठीक है, तो ये भी गलत है।
तो ये तीनों के तीनों सेट बन के गया, तो नन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कंसीडर द फॉरेन स्टेटमेंट इट रैंक्स कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन ट्रेवल टू विच इट्स सिटीजन कैन ट्रेवल विदाउट अ प्रायर वीजा। देखो ये बात बिल्कुल सही है, द यूएस इज रैंक्ड फर्स्ट एंड इट्स पासपोर्ट इज कंसीडर द मोस्ट पावरफुल इन वर्ल्ड। देखो जापान है उसको रैंक फर्स्ट मिला और उसी का पासपोर्ट को मोस्ट पावरफुल माना गया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो गाइस यहाँ पे हमने इकोनॉमी के टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इनसाइट के भी 3 किए, विजन के भी 3 किए। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, अलग से इनसाइट टेस्ट सीरीज की भी मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो हम अगली बार से अब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।